भारत रत्न अजा शत्रु और ऐसा व्यक्तित्व जिसने देश में नहीं आज के इस दुनिया में हमारे लोकप्रिय अपनी संस्कृति और अपने विचार की छाप छोड़ते हुए इस देश को नई दिशा में लाने का काम किया, ऐसे हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के इस सुशासन दिवस और जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का दुनिया में बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में नई दिशा में पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता प्रदेश के उपाध्यक्ष अटल बिहारी सरदार राजेपाल जी इस सुशासन दिवस हमारे प्रदेश की और जन्म दिवस के अवसर पर मैं आप सभी महामंत्री और बहुत उप मुख्यमंत्री कामना देता हूँ। आज के हमारे इस कार्यक्रम में दामोदर जी नई दिशा में मुकेश जिला प्रदेश के उपाध्यक्ष जी अटल बिहारी सरदार राजेपाल जी हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे प्रदेश की कक्षा तिवारी जी आप सभी महामंत्री हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानित राम भोरा जी पार्टी के हमारे दामोदर जी प्रणामी जी नई दिशा में मुकेश जिला प्रदेश राजपाल शर्मा जी सम्मानीय महाराज बाल मोहन जी हमारे उप महापौर प्रणामा जी हमारे चुनाव लड़े आदर्श नगर से भाई रवि नैयर जी भाई अशोक चटवाड़ा जी और हमारे जिनका हम संचालन कर रहे थे और सुन रहे थे ऐसे हमारे शहर के जिलाध्यक्ष सम्मानीय राघव शर्मा जी मेरे सामने बैठे पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता का भाई और बहन आज हम ऐसे व्यक्तित्व का हमारे अध्यक्ष बना रहे हैं और वो भी सुशासन दिवस के रूप में चुनाव लड़े आदर्श नगर से भाई रवि नैयर जी हमेशा 25 दिसंबर को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन काल में हर परिस्थिति से मुकाबला किया उन्होंने कहा था संसद के अंदर जब राजनीतिक के दूसरे विरोधियों ने जब उनसे चुटकी ली थी तो उन्होंने कहा कि हमारा राजनीतिक दल दिनों दिन बढ़ रहा है और हमारे को जो यह सफलता मिली है ये ऐसे ही नहीं मिली। हम जनता के बीच में गए हैं 12 महीने 365 दिन हमारे कार्यकर्ता में जनता के बीच में जाकर के काम किया है। हम ऐसे राजनीतिक दल नहीं है, हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में जाता है सेवा के भावना से जाता है सेवा करता है इसलिए हम सबसे बड़े दल के रूप में संसद में आए। उन्होंने कहा कि हमारा कार्यकर्ता अलग है, हमारा कार्यकर्ता और पार्टियों से भिन्न है और यही उन्होंने कहा था कि आज जब हमारी लोकसभा में 2 सीट आई थी तो विरोधियों को चेतावनी दी थी कि आज आप हम पर हंस रहे हो लेकिन आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा और लोग आप पर हंसेंगे, ये देश आप पर हंसेगा और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आएगी और लंबे समय तक इस देश की सेवा करेगी क्योंकि उनको उन कार्यकर्ताओं पर भरोसा था और अपने विचार पर अपनी संस्कृति पर भरोसा था।
मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हम सुशासन दिवस के रूप में आज का दिन मनाते हैं, आज हमने सरकारी कार्यक्रम भी मनाया। मेरी परसों बात में मैंने अधिकारियों से कहा कि यह सुशासन दिवस एक एक नगर पालिका में, एक एक पंचायत में मनाना चाहिए, क्योंकि हम जिन मूल्यों के आधार पर राजनीति करते हैं उन मूल्यों को आगे बढ़ाने का काम हमारा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो संदेश दिया कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, हमारा कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, हमारे उस जनप्रतिनिधि की संवेदनाएं उस अंतिम व्यक्ति के तक पहुंचनी चाहिए। हमारा जनप्रतिनिधि हमारा सभी जल से संवेदनाएं जोड़ करेगा, पंचायत में मनना और हमने आज सभी नगर पालिकाओं में, सभी पंचायतों में, सभी पंचायत समितियों में, सभी जिला परिषदों में आज हमारा यह स्वशासन दिवस सरकारी तौर पर भी मनाया जा रहा है। आज मेरे मन में, मैं घर से चला कार्यालय के लिए, सही समय पर निकला, मन में विचार था कि मैं कार्यालय के लिए थोड़ा लेट तो नहीं हो जाऊंगा, लेकिन मेरे मन में विचार है कि जाते वक्त माननीय जो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा वो एक काम पर करना चाहिए। मैं सीधा मैंने कहा कि नहीं, सीधा मैं SMS हॉस्पिटल जाऊंगा, वहां हमारी व्यवस्था किस तरह की है, हम जिस सुशासन की बात करते हैं वो सुशासन है या नहीं। आकस्मिक निरीक्षण मैंने किया, मैंने वहां देखा, मैं उन मरीजों से भी मिला, मैंने वहां की व्यवस्था भी देखी और व्यवस्था देख करके मैंने उनसे ये भी कहा कि आपको मन में विचार कर लेना चाहिए कि राज बदल गया है, ये जनता का राज है, ये जनता का राज है, जनता मन में क्या सोचती है, क्या विचार करती है, ये राज उस जनता के विचार पर और जनता के काम पर चलने वाला है। मैंने वहां देखा, देख करके मैंने कुछ उनसे कहा कि ऑफिस से नहीं बाहर निकल करके देखा जाता है, एक एक व्यक्ति आता है हॉस्पिटल के अंदर, वो अपने विचार और भाव को लेकर के आता है और राजस्थान के ये SMS हॉस्पिटल दुनिया में इसकी अलग पहचान है, इसको पहचान को बढ़ाने का काम करना है। लोग जिस भावना से, जिस भाव से आते हैं उनकी सेवा उसी प्रकार से कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं मित्रों कि हम सभी को लगना होगा, जनता की अपेक्षाएं बहुत है, जनता ये चाहती है, जनता एक एक कार्यकर्ता की तरफ देख रही है, जनता के मन में ये विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और वो विश्वास इतना बढ़ गया है कि चाहे हमारे बूथ का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे मंडल का कार्यकर्ता है, चाहे हमारे मोर्चे का कार्यकर्ता है, कोई हमारा छोटा कार्यकर्ता है या बड़ा जनप्रतिनिधि है, जनता आंखों से देख रही है। हम सभी को लगना होगा कि हमारी समस्या के सामने अपेक्षाएं बहुत है, जो शासन चाहते वो शासन भी हमें मिलेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जनता के हर काम में सहयोग करें, हम जाएं, जो हमारे जनप्रतिनिधि वो तो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, एक कार्यकर्ता के नाते, एक अच्छे नागरिक होने के नाते, माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अभी हमारे विकसित शिविर हमारे चल रहे, उन शिविरों का भी हमें ध्यान रखना, हमें उस अंतिम व्यक्ति तक जाना है जिसको हमारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचार को लेकर चलने वाले, अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचार को लेकर के चलने वाले लोग, हम सबका दायित्व बनता है। मैंने परसों दो दिन पहले एक कार्यक्रम था सांगानेर में, मैंने कहा था हम अच्छे नागरिक का क्या कर सकते हैं, हमें यह भी देखना, हमें उस व्यक्ति को लाभ दिलाना होगा। हमारी 39 योजना है, उसमें किस किस को कितना लाभ मिला है इसकी समीक्षा भी हमें करनी, और समीक्षा के बाद उसका लाभ भी हमें मिले इसकी चिंता भी हमें करनी,
कोई व्यक्ति छूट न जाए। मैं आपके माध्यम से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमारे काम हमारी योजना है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कोई भी योजना हम बंद नहीं करेंगे, आगे हम अच्छी अच्छी योजनाओं को और अच्छा बनाने के लिए आगे योजना देंगे। कहते थे कैसे होगा, हमने आयुष्मान योजना को 5 लाख से लेकर 10 लाख तक बढ़ाया और अब हम 25 लाख तक इलाज कराने का काम कर रहे हैं। कहते हैं दवाइयां बंद हो जाएंगी, परसों ही मैंने बात की, केंद्र में भी बात की, हमारे मंत्री जी से भी बात की। मैं आपको कहना चाहता हूं जो दवाइयां मिलती थी वो मिलेंगी, हमने कोशिश की है कि उसमें कम से कम ऐसी दवाइयां और बढ़ाने का काम करें जो हमें आवश्यकता हो रही है। हम कम नहीं करेंगे, हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आज माननीय हमारे यशस्वी और हमारे भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म, हमें उनसे कुछ प्रेरणा मिले। हमने सरकार में कहा है कि महिलाओं का अत्याचार सहन नहीं करेंगे, किसी कीमत पर हमें इससे समझौता नहीं होगा, महिलाओं का अत्याचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया। हमने उनको कहा है कि भ्रष्टाचार किसी कीमत पर नहीं होगा। हमने अधिकारियों को भी कहा है कि अगर आपने कोशिश की तो सिफारिश करने वाले व्यक्ति को भी बख्शा नहीं जाएगा। भ्रष्टाचार का माननीय मोदी जी ने कहा है, जीरो टॉलरेंस पर काम करने वाले हैं, जीरो टॉलरेंस पर काम करेंगे। और माननीय एसोसिएट हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर खा भी लिया तो बाहर निकाल लूंगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, हमारे एसोसिएट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है हमें उनकी एक एक योजना को आगे बढ़ाना है, भ्रष्टाचार को समूल रूप से नष्ट करना है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं कि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है, हमें उस व्यक्ति की परेशानी को भी देखना है, हमें उस व्यक्ति के बारे में भी सोचना है। हो सकता है हम उस पर ध्यान नहीं दें, क्योंकि जो हमारा व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है उसको अगर दवाई मिल जाती है, उसको किसी कारण से उसकी पेंशन बंद हो जाती है, किसी कारण से उसको अगर खाद्यान्न की सुरक्षा मिलती है, खाद्यान्न का की सामग्री मिलती है, हमें एक एक बात छोटी लगती है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी होती है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, उस माँ के लिए उज्ज्वला की गैस बहुत बड़ी होती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, हमारे शिविर चल रहे हैं, हम सभी को जहां हम रहते हैं, चाहे वो शहर में रहते हैं ग्रामीण में रहते हैं, सभी जगह हमारे शिविर है। उन शिविरों के माध्यम से हम जनजन में जाएंगे और अपना काम हम पूरी तरह से करें। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगेंगे। मित्रों, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गरीब कल्याण के लिए और माननीय मोदी जी ने उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए हमारी जो योजना है उन योजनाओं को हम पूरा करेंगे। और मित्रों, राजस्थान की तो वो धरती है कि 98 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दुनिया में इस भारत का गर्व बढ़ाया था, नाम बढ़ाया था, प्रोग्रेस से विस्फोट करके दुनिया को बताने का काम किया कि हम किसी भी तरह से कमजोर नहीं है। भारत वो देश है जो किसी तरह से किसी की परवाह नहीं करते हुए परमाणु विस्फोट करने का काम किया, आतंकवाद को अंकुश लगाने का काम किया, देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का काम किया। आज के इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकार जो संकल्प पत्र में हमने जो वायदे किए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं एक एक वायदे को हमारी ये सरकार पूरा करे। 100 दिन की हमारी योजना हमने बनाई और हमने वो योजना बनाई कि हम 100 दिन में उन योजनाओं के काम को पूरा करके बताएं, क्योंकि माननीय हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं
वो करके दिखाते हैं। हमने वो सौ दिन की योजना भी बनाई है, आने वाले समय में हम उस सौ दिन की योजना पर काम करेंगे और एक एक योजना को पूरा करने का काम हम करेंगे। हमारी सरकार जवाब दे सकती है, हम हर क्षेत्र में एक ऐसा काम करेंगे जो जनता की हमसे इच्छा अपेक्षा है उनको पूरी करने का काम करेंगे। हमारी सरकार की सफलता का असली पैमाना लोगों की खुशी और उसके कल्याण में है। नेता और नागरिकों के रूप में हमारा अंतिम लक्ष्य व्यक्ति की भलाई और हमारे राष्ट्र की समृद्धि में योगदान करना है। मैं श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कविता के साथ अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। बाधाएं आती हैं आए, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पावों के नीचे अंगारे, सिर पर फरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।